अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें खुश रहें। अर्बन डेवलपमेंट, इसका मतलब होता है दोस्तों शहरी तरक्की। अर्बन मतलब शहरी, डेवलपमेंट कहते हैं तरक्की या तरक्की करना या बढ़ना। अर्बन डेवलपमेंट शहरी तरक्की, इससे मुराद दोस्तों शहर में रहने वाले लोगों के लिए हर किस्म की सहूलियात उन्हें फराहम करना जिससे उन्हें फायदा हो, जिससे सबको फायदा हो। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सीखेंगे जिससे हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। दोस्तों स्पोकन इंग्लिश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है वोकैबुलरी का अच्छा होना। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आप आसानी से किसी के साथ भी इंग्लिश में बात कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। अर्बन डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग एंड एक्सपेंडिंग सिटीज एंड टाउन्स। अर्बन यानी शहरी, डेवलपमेंट तरक्की, इज है या होती है, प्रोसेस कहते हैं दोस्तों अमल को। प्रोसेस मतलब अमल, ऑफ मतलब का, इम्प्रूविंग यानी बेहतर करना या बेहतर बनाना, एंड और एक्सपेंडिंग मतलब बढ़ाना या तोसी करना, वसत देना, सिटीज यानी शहरों को एंड टाउन्स और कस्बों को। अर्बन डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग एंड एक्सपेंडिंग सिटीज एंड टाउन्स। शहरी तरक्की शहरों और कस्बों को बेहतर बनाने और वसत देने का अमल है, यानी बढ़ाने का अमल है। इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग न्यू रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड हाउसेज टू मेक द एरिया बेटर फॉर पीपल टू लिव इन। इट इन्वॉल्व्स मतलब इसमें शामिल है। इट मतलब ये, इन्वॉल्व्स मतलब शामिल होता है। इट इन्वॉल्व्स इसमें शामिल है या इसमें शामिल होता है बिल्डिंग तामीर करना। न्यू मतलब नए या नई, रोड्स कहते हैं सड़कों को या सड़कें, स्कूल्स यानी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स यानी हस्पताल, एंड और हाउसेस यानी मकानात या घर। टू मेक मतलब बनाना या बनाने के लिए, एरिया कहते हैं इलाके को, बेटर यानी बेहतर, फॉर के लिए, पीपल यानी लोगों के लिए, टू लिव इन, टू लिव मतलब रहने के लिए, इन मतलब में, टू लिव इन यानी इसमें रहने के लिए। इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग न्यू रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड हाउसेस टू मेक द एरिया बेटर फॉर पीपल टू लिव इन। इसमें लोगों के रहने के लिए, इलाके को बेहतर बनाने के लिए नई सड़कें, स्कूल, हस्पताल और मकानात की तामीर जो है शामिल है। गवर्नमेंट्स एंड सिटी प्लानर्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट प्लान्स दैट इंश्योर द सिटी। गवर्नमेंट्स मतलब हुकूमतें, एंड और सिटी प्लानर्स मतलब शहरी मंसूबाबंदी करने वाले। सिटी कहते हैं शहर को या शहरी, प्लानर्स यानी मंसूबा साज या मंसूबाबंदी करने वाले। वर्क मतलब काम करना या काम करते हैं। टुगेदर यानी इकट्ठे या मिलजुल कर, टू क्रिएट यानी बनाने के लिए या बनाना, प्लान्स कहते हैं मंसूबे, दैट जो के, इंश्योर यकीनी बनाना या यकीनी बनाते हैं। सिटी मतलब शहर को कहते हैं। ग्रोज इन अ वे दैट बेनिफिट्स एवरीवन। ग्रोज मतलब बढ़ता है या तरक्की करता है, बढ़ना या तरक्की करना। इन अ वे मतलब इस तरह या इस तरीके से, वे कहते हैं तरीके को, रास्ते को, दैट के, बेनिफिट्स मतलब फायदा उठाता है। बेनिफिट का मतलब होता है फायदा उठाना, बेनिफिट्स फायदा उठाता है। एवरीवन यानी हर कोई। गवर्नमेंट्स एंड सिटी प्लानर्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट प्लान्स। हुकूमतें और शहर के मंसूबा साज ऐसे मंसूबे बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। दैट इंश्योर द सिटी ग्रोज इन अ वे दैट बेनिफिट्स एवरीवन। के जो इस बात को यकीनी बनाते हैं
कि शहर इस तरह तरक्की करे जिससे सबको फायदा हो। इसकी ट्रांसलेशन दोबारा करते हैं। गवर्नमेंट्स एंड सिटी प्लानर्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट प्लान्स। हुकूमतें और शहर के मंसूबा साज ऐसे मंसूबे बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं जो इस बात को यकीनी बनाते हैं दैट इंश्योर द सिटी ग्रोज इन अ वे दैट बेनिफिट्स एवरीवन। के शहर इस तरह तरक्की करे, इस तरह बढ़े जिससे सबको फायदा हो, जिससे हर कोई फायदा उठा सके। दिस इंक्लूड्स मेकिंग श्योर देयर आर इनफ पार्क्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस एंड अदर फैसिलिटीज। दिस मतलब ये या इसमें, इंक्लूड्स मतलब शामिल है या शामिल होता है, मेकिंग मतलब बनाना, श्योर यानी यकीनन या यकीनी, मेकिंग श्योर यकीनी बनाना। देयर मतलब वहाँ, आर मतलब हैं, इनफ यानी बहुत या काफ़ी या ज़्यादा, पार्क्स यानी पार्क्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यानी पब्लिक कहते हैं अवामी या अवाम, ट्रांसपोर्टेशन यानी नकलो हमल या ज़राए आमदोरफ़्त जिसके ज़रिए लोग जो हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब गाड़ियों के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं, एंड और अदर मतलब दूसरी फैसिलिटीज़ यानी सहूलियात। दिस इंक्लूड्स मेकिंग श्योर देयर आर इनफ पार्क्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस एंड अदर फैसिलिटीज़। इसमें ये यकीनी बनाना शामिल है कि वहाँ काफ़ी मिकदार में पार्क्स, अवामी नकलो हमल और दीगर सहूलियात मौजूद हैं। अर्बन डिवेलपमेंट आल्सो फोकसेस ऑन मेकिंग द सिटी इन्वायरमेंटली फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल। अर्बन यानी शहरी, डेवलपमेंट तरक्की, आल्सो भी, फोकसेस इसका मतलब होता है दोस्तों तवज्जो मरकूज करना या तवज्जो डालना या तवज्जो देना, ऑन मतलब पर, मेकिंग यानी बनाना, सिटी यानी शहर को, इन्वायरमेंटली यानी माहौलियाती तौर पर, इन्वायरमेंटली कहते हैं माहौलियाती तौर पर, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली मतलब माहौल दोस्त, फ्रेंडली मतलब दोस्त को कहते हैं, एंड और सस्टेनेबल इसका मतलब होता है दोस्तों पायदार। अर्बन डेवलपमेंट आल्सो फोकसेस ऑन मेकिंग द सिटी इन्वायरमेंटली फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल। शहरी तरक्की शहर को माहौल दोस्त और पायदार बनाने पर भी तवज्जो मरकूज करती है, तवज्जो डालती है। द गोल इज़ टू क्रिएट अ सेफ हेल्दी एंड, द गोल मतलब मकसद, इज है या होता है, टू क्रिएट बनाना, अ सेफ एक महफूज, हेल्दी एक सेहतमंद, एंड और इंजॉयबल प्लेस फॉर ऑल रेजिडेंट्स। इंजॉयबल यानी काबिले लुत्फ, जहाँ लुत्फ उठाया जा सके। प्लेस कहते हैं जगह को, फॉर के लिए, ऑल यानी सब के लिए, फॉर ऑल सबके लिए, रेजिडेंस कहते हैं दोस्तों रिहायशियों को जो कि वहाँ रहते हैं। द गोल इज टू क्रिएट अ सेफ हेल्दी एंड इंजॉयबल प्लेस फॉर ऑल रेजिडेंट्स। मकसद तमाम रिहायशियों के लिए एक महफूज, सेहतमंद और लुत्फानंदोज जगह बनाना है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, तो हमारे इस चैनल के साथ कनेक्ट रहें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।